अब इसके बाद एक शायर का नाम लेता हूं, वो है डॉक्टर तारिक अनवर। तारिक अनवर से मैं गुजारिश करने जा रहा हूं और ये कहना चाहता हूं कि बेबाक घटाओं का सलाम आता है, मदमस्ती और रिंदी का प्याम आता है, आए रहमत साकी को तरसने वालों, अब देख छलकता हुआ जाम आता है। भाई तारिक अनवर, डॉक्टर तारिक अनवर जब पढ़ें तो आप खामोश नहीं रहें, मैं अगर वाह वाह कहता हूं तो आप मुझे भी देखिएगा, जहां जहां मैं वाह वाह करूं वहां आप भी जरूर कीजिएगा, वरना इस मुशायरे को कामयाब कोई नहीं कर सकता है। अगर कामयाब कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, इसे तारीख ही बना सकते हैं तो आप बना सकते हैं। माइक पर डॉक्टर तारिक अनवर, नए लबो लहजे का शायर जो अपनी रवायती गजलों से आपको और आपके दयार को अपनी आवाज से कितना खूबसूरत बनाएगा, इसका अंदाजा मैं तो कर रहा हूं, उसके शायर के जाने के बाद आप भी इसका अंदाजा करेंगे। माइक पर डॉक्टर तारिक अनवर। मुअज्जिन सामईन हजरात, सदर मोहतरम जी, तारीख एक मतला और एक शेर से अपना शेरी सफर का आगाज करता हूँ। हाजिर करता हूँ, तवज्जो का तालिब हूँ। देख लेना इश्क में एक ऐसा दिन भी आएगा, वाह सुने दोस्तों, देख लेना इश्क में एक ऐसा दिन भी आएगा, देख लेना इश्क में एक ऐसा दिन भी आएगा, दिल को हम समझाएंगे और दिल हमें समझा। वाह 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 वाह, वाह 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 वाह। देख लेना इश्क में एक ऐसा दिन भी आएगा, देख दिल को हम समझाएंगे और दिल हमें समझाएगा। और दोस्तों ये शेर आज के खुसूसी मेहमानों के हवाले से हाजिर करता हूं, तवज्जो का तालिब हूं। अंजुमन अंजुमन की सारे रौनक सिर्फ उसके दम से है, अंजुमन की सारे रौनक सिर्फ उसके दम से है, अंजुमन की सारी रौनक सिर्फ उसके दम से है, वो चला जाए तो बाकी कुछ नहीं रह जाएगा। वाह वाह, देख लेना इश्क में एक ऐसा दिन भी
आएगा। वाह 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 दोस्तों, आप वाह वाह तो कर रहे हैं लेकिन आपकी तालियां और आपकी वाहवाही अभी कमजोर है, इसलिए आप लोग अभी देखने में लगे हुए हैं, लेकिन देखने का मसाला जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ देख लीजिए। अभी अभी आपको सुनना चाहिए, और कोई अच्छा शायर शेर पढ़ रहा हो तो आप जानते हैं कि आदमी रात भर जगता है तो एक शेर कह पाता है, और आप थोड़ा सा हौसला दे देते हैं तो वो उत्साह वो हौसला और भी बढ़ के हम और कुछ कर लेते हैं। इसलिए एक बार जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल कीजिए और शेर से सुनिए। दोस्तों, गजल का मतला हाजिर करता हूँ। फूल से खुशबू निकलती है बिखर जाती है। वाह। फूल से खुशबू निकलती है बिखर जाती है। फूल से खुशबू निकलती है बिखर जाती है। धूप आंगन में उतरती हुई शर्माती है। फूल से खुशबू निकलती है बिखर जाती है। और दोस्तों, शेर हाजिर करता हूं, तवज्जो का तालिब हूं। के पेड़ सब सूख गए अपनी उम्मीदों की तरह। पेड़ सब सूख गए अपनी उम्मीदों की तरह। वाह। पेड़ सब सूख गए अपनी उम्मीदों की तरह। दरीचों से कहां तेज हवा आती है। वाह 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 वाह। फूल से खुशबू निकलती है बिखर जाती है। और दोस्तों, बहुत खूब ये शेर मैं अपने नौजवान दोस्तों के हवाले से हाजिर करता हूँ। देखिए, आप नौजवान दोस्त, यहाँ कोई बूढ़ा है ही नहीं, तवज्जो का जो भी यहाँ है, कोई 80 बरस का नौजवान है, कोई 20 बरस का नौजवान है, इसलिए आप नौजवान दोस्तों के लिए अलग से न कहिए, ये कहिए कि तमाम नौजवान दोस्तों हमें, मैं शेर पढ़ रहा हूँ, एक बार ताली बजाइए और बताइए कि तमाम लोग नौजवान हैं, यहाँ कोई बूढ़ा नहीं है। हाजिर करता हूँ। के इश्क करता है जुदाई से ये हर रोज सवाल। इश्क करता है जुदाई से ये हर रोज सवाल। इश्क करता है जुदाई से ये हर रोज सवाल। सीटियां देती हुई रेल कहां जाती है। वाह 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 वाह। फूल से खुशबू निकलती है बिखर जाती है। और दोस्तों, एक शेर माँ के हवाले से हाजिर करता हूँ, तवज्जो का तालिब हूँ। कि कितनी मसरूफ ये दुनिया है कि
किसे है फुर्सत, कितनी मसरूफ ये दुनिया है किसे है फुर्सत, कितनी मसरूफ ये दुनिया है किसे है फुर्सत, सिर्फ एक माँ है जो मेरे लिए घबराती है, वाह फूल से खुशबू निकलती है बिखर जाती है। और दोस्तों मैं डाइस वालों से भी गुजारिश करूंगा कि शायर को हौसला देना सिर्फ सामने बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, अगर आप स्टेज पर बैठे हुए हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई शायर शेर पढ़ता है तो उसको हौसला दें। एक मतलब दो तीन शेर हाजिर करता हूं। इरशाद। महसूस कभी कीजे अशिकों की रवानी में, महसूस कभी कीजे अशिकों की रवानी में, महसूस कभी कीजे अशिकों की रवानी में, है जिक्र तुम्हारा भी खुशबू की कहानी। वाह 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 महसूस। और दोस्तों शेर हाजिर करता हूं, तवज्जो का तालिब हूं। मैं अपनी गजल पढ़ के महफिल से चलाया, वाह मैं अपनी गजल पढ़ के महफिल से चलाया, मैं अपनी गजल पढ़ के महफिल से चलाया, उलझे हैं अभी तक वो अल्फाज़ो मानी। वाह महसूस। और दोस्तों खुसूसी तौर से इरशाद, तारिक भाई आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत कमाल पढ़ा है। खामोश खामोश मोहब्बत को, खामोश ही रहने दो, खामोश मोहब्बत को, खामोश ही रहने दो, खामोश मोहब्बत को खामोश ही रहने दो, पत्थर ना कोई फेंको ठहरे हुए पानी। महसूस। और दोस्तों इसी सिलसिले का आखिरी शेर हाजिर करता हूं। इरशाद। दुश्मन है मगर फिर भी,
दुश्मन सा नहीं लगता। वाह, दुश्मन है मगर फिर भी, दुश्मन सा नहीं लगता। दुश्मन है मगर फिर भी, दुश्मन सा नहीं लगता। है कुछ तो जरूर ऐसा उस दुश्मन जानी। वाह दोस्तों, ये थे डॉक्टर तारिक अनवर, जिनकी गजलें आप सुन रहे थे। कभी कभी आप वाह वाह करते थे, कभी खामोश हो जाते थे। मुझे हैरत है कि अतीक साहब को मैं ये समझ रहा था कि मैं एक गांव के मुशायरे में जा रहा हूं, जहां पता नहीं सुनने वाले अच्छे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन यहां आने पर यह एहसास हुआ कि आप गजल बहुत कमाल का सुनते हैं, अच्छी शायरी पर आप दाद देने से चूकते भी नहीं हैं। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, सबके बाद कुछ लोग शेर सुनकर भी चुपचाप रह जाते हैं या धीरे से वाह वाह कह लेते हैं। एक कहानी आपको सुनाता हूं कि एक बस्ती में इसी तरह मुशायरा हुआ। दूसरे रोज देखा गया कि एक आदमी अलग खेत में खड़ा होकर वाह वाह कर रहा था। लोगों ने पूछा कि भाई बात क्या हो गई, तो उसने कहा कि रात मुशायरा सुना था, शेर रात समझ में नहीं आया, आज समझ में आया है तो वाह वाह कर रहा हूं। तो ये मुशायरे का लेन देन है, कोई जरूरी नहीं कि हर शेर को समझा ही जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कल जाकर के आप अकेले खेत में वाह वाह कीजिए। इससे बेहतर है कि यहां बिना सोचे समझे अगर कोई अच्छा शेर लगता है तो उस पर वाह वाह कर दीजिए। एक बार फिर से वाह वाह के लिए ताली बजाइए और इस मुशायरे को आगे बढ़ाइए। मेरा कोई दूसरा काम नहीं है, मैं नाज़िम मुशायरा हूं, और नाज़िम मुशायरा सिर्फ ये उसी तरह होता है जैसे बादशाह और बेगम दोनों बैठ के आपस में बात कर रहे थे। बीरबल कहीं से आए और आके बीच में बैठ गए। बादशाह को बात अच्छी नहीं लगी कि हम मियां बीवी बात कर रहे हैं तो ये बीरबल कहां से आके बीच में बैठ गया। उन्होंने जोर से बीरबल को चींटी काटी। बीरबल कब खामोश रहते, उन्होंने बेगम को काटी। बेगम नाराज हो गई और उन्होंने कहा कि बीरबल तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम ये काम करोगे, एक चांटा लगाया। बीरबल मुड़े और उन्होंने बादशाह को एक चांटा लगाया। बादशाह नाराज हो गए और कहने लगे कि बीरबल तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझे चांटा लगाओगे। कहा हुजूर मुझसे कोई गलती नहीं हुई, आपने जो खबर दी थी वो बेगम तक लेके गया था, जो जवाब आया है आप तक लेके आया। तो दोस्तों मेरा काम आज की रात यही है, मैं यही काम मुझे रात भर करना है कि आपकी बात स्टेज तक पहुंचा देना, स्टेज की बातें आप तक पहुंचा देना। बीच में जिस भूमिका में मैं हूं, जो काम मैं कर रहा हूं, उसमें आप मेरा साथ दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।